नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। फिक्सिंग पर बड़ा फैसला, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर 2 साल का प्रतिबंध। आईपीएल मैच फिक्सिंग मामले में जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए एमएफ धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर आईपीएल में खेलने पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही श्रीनिवासन के दामाद और चेन्नई सुपर किंग्स के प्रिंसिपल गुरुनाथ मैयप्पन और राजस्थान रॉयल्स के सह मालिक और शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। भारत ने लिया हेमराज और सुधाकर की शहादत का बदला। जम्मू कश्मीर में मेंढर से लगी सीमा पर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया है। खबरों के अनुसार यह वही आतंकी है जिसने पाकिस्तान रेंजर के साथ मिलकर भारतीय सैनिक हेमराज और उनके साथी सुधाकर सिंह का सिर काट दिया था। हालांकि दूसरे आतंकवादी भागने में सफल रहे। उल्लेखनीय है कि 8 जनवरी 2013 में 2 भारतीय जवानों हेमराज और सुधाकर की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उस दिन सीमा पार से पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ आए आतंकवादी हेमराज और सुधाकर सिंह का सिर काटकर अपने साथ ले गए थे। मनमोहन सिंह रोकना चाहते थे अमेरिका से परमाणु करार। भारत के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एमके नारायणन ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अमेरिका की ओर से उस घातक प्रस्ताव के आने के बाद अपनी टीम से परमाणु करार पर विराम लगाने को कहा था, जिसमें भारत के सिर्फ 2 परमाणु रिएक्टरों को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों से बाहर रखने की बात की गई थी। नारायणन की ओर से यह खुलासा उस वक्त किया गया जब अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री कोंडोलिज़ा राइस ने वाशिंगटन में कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री सिंह ने 18 जून 2005 को परमाणु करार के प्रस्तावित ऐलान से एक रात पहले करार पर रोक लगा दी थी क्योंकि भारत में विपक्षी दल इसके खिलाफ खड़े हो गए थे। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने ऐतिहासिक परमाणु करार के 10 साल पूरा होने के मौके पर एक दिन के सम्मेलन में कहा कि मैं तथ्य को स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि यह विचार व्यापक रूप से स्थापित हो गया है कि 17-18 जून की रात मनमोहन सिंह ने करार को रोक दिया था। मेरा मानना है कि इसके बहुत उचित कारण थे। आम आदमी पार्टी का खजाना खाली, जनता से मांगा चंदा। विधानसभा चुनाव में जबरदस्त बहुमत हासिल कर दिल्ली की सत्ता में आई आम आदमी पार्टी का खजाना खाली हो गया है। पार्टी ने लोगों से अपील की है कि वे उसे चंदा दें। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पार्टी चलाने के लिए आप सबसे पैसे चाहिए, आप चाहें तो 10 रुपये भी दे सकते हैं। गुजरात में जर्मन युवती से दुष्कर्म। गुजरात के आणंद जिले में जर्मन मूल की 19 वर्षीय युवती के साथ एक फार्म हाउस में आयोजित पार्टी के दौरान कथित तौर पर नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने बताया कि घटना 10 जुलाई देर रात की है। एक स्वयंसेवी संस्था से जुड़ी यह युवती अपने जर्मन पुरुष मित्र के साथ उमेटा गाँव के एक फार्म हाउस में आयोजित रेव पार्टी में गई थी। पीड़िता ने बताया कि वह अर्धबेहोशी जैसी हालत में पहुंच गई थी और बाद में उसे पता चला कि उसके कपड़े बिखरे हुए हैं और उसके साथ किसी ने दुष्कर्म किया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।